फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है द अध्ययन स्कूल, शताब्दी नगर, मेरठ। नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट TV। मेरठ में आज दीवान पब्लिक स्कूल में अरुणोदय संस्था द्वारा 31 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल महिलाओं को सम्मानित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली की MP मीनाक्षी लेखी मौजूद रही और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। वहीं राज्यसभा सांसद कांता करदम भी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रही। साथ ही अरुणोदय की अध्यक्षा अनुभूति चौहान ने मुख्य अतिथियों का फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। वहीं सम्मानित सदस्यों में मेयर सुनीता वर्मा, कैंट उपाध्यक्ष बीना वाधवा एवं MPS डायरेक्टर केतिकी शास्त्री आदि 31 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल महिलाओं को सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम को सफल बनाने में अरुणोदय की पूरी टीम का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बता दें कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य हमारे देश की महिलाओं को जागरूक व उत्साहवर्धन करना था, जिसके लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। आइए सुनते हैं क्या बता रही है दिल्ली की MP मीनाक्षी लेखी। काम बहुत अच्छे से जानती है, बाकी समाज को कहना है कि महिलाओं को उनकी मर्जी से जो वो करना चाहती है करने दीजिए, वो आपके भी सपने साकार करेंगी और अपने भी सपने साकार करने की उनमें क्षमता अपार है, लेकिन जो सामाजिक कारण है वो उनको पीछे खींच कर रखते हैं। तो ऐसे सामाजिक कारण जो महिलाओं को पीछे खींच कर रखे, उनको हटाना हम सबका कर्तव्य है। महिला दिवस पे सबको, सब पुरुषों को और सब बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि महिला नहीं होती तो कुछ और भी नहीं होता। मैं सभी मातृशक्ति को ये संदेश देना चाहूँगी कि अपने आप को कमज़ोर ना समझें, अपने आप को सशक्त रखें, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें और कहीं भी अन्याय हो तो उसके खिलाफ़ ज़रूर बोलें, पर इसके साथ अधिकारों के साथ साथ अपने दायित्वों को ना भूलें। ये ना भूलें कि जो कानून उनकी रक्षा के लिए बनाए गए हैं उनका वे कभी भी दुरुपयोग ना करें, क्योंकि उनका दुरुपयोग होने से जो वास्तव में पीड़ित होती हैं महिलाएँ, उनके प्रति कहीं ना कहीं अन्याय होता है और उनकी आवाज़ नहीं सुनी जाती है। इसलिए अपने अधिकारों और कर्तव्यों दोनों को ध्यान में रखते हुए इस महिला दिवस को बहुत अच्छी तरह से मनाएं। सभी को मेरी तरफ से महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वही सुनते हैं राज्यसभा सांसद कांता करदम ने क्या कहा। एक स्कूल में रखा गया और हमारी जो माननीय और यहाँ सम्मानित जो मुख्य अतिथि के रूप में आई है मीनाक्षी लेखी जी आई यहाँ पर आई थी और बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है और बहुत बहनों को जो सम्मान उनको यहाँ पर करा गया है और सभी को, और मैं महिला दिवस के मौके पर सभी बहनों को मैं बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ और सभी बेटियों को भी बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ। और जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ और बेटी जो है आगे बढ़ाओ, तो आज आप देख भी रहे हैं तो बेटी बच भी रही हैं, बेटी पढ़ भी रही हैं और बेटी आगे बढ़ भी रही हैं। तो मैं सभी बेटियों से कहूँ कि आपको आगे बढ़ना है, हर तरह की आपको जो है केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार है वो सब आपके साथ में, हम सब आपके साथ में हैं। आप आगे बढ़ेंगी तो हमारे देश का नाम रोशन होगा और आपका परिवार भी संभलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट बाइट TV और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।